हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर अंशदीप बोरनडी में चल रहे रेस्क्यू का जायजा लेने दूसरी बार पहुंचे मौके पर। सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनडी गांव में कुआं ढहने से नाबालिग नरेंद्र के दबने का मामला सेना के मेजर मनीष सोजत डीवाई एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के नेतृत्व में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन 15वें दिन भी जारी। कुएं में पानी की आवक तेज, 15वें दिन नहीं निकाला जा सका नरेंद्र का शव कुएं में से। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप पहुंचे बोरनडी सेना के मेजर मनीष सोजत एसडीएम दौलतराम चौधरी से 15 दिनों से चल रहे रेस्क्यू की जानकारी ली। वहीं कुएं में मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है, करीब 2 दिनों में निकाला जा सकता है नरेंद्र का शव। मौके पर सोजत एसडीएम दौलतराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह, सोजत डीवाई एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीणा, किशन सिंह, सवराड़ पूर्व सरपंच कैलाश मालवीय सोजत रोड व बगड़ी थानाधिकारी व 27 सेना के जवान व पुलिसकर्मी मौजूद थे। देखिए, इसमें जैसा आप लोग भी शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं, हमारे यहाँ से भी टीम पूरा समय लगी हुई है। हमारी प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, साथ ही आर्मी के सदस्य वो लगे हैं और लोकल लोग भी सभी के सभी लगे हुए हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि अब खुदाई के लगभग अंतिम के ऊपर है, इतना गहरा जा चुका है कि पानी का बहाव ज्यादा है, फिर भी 2 मोटर लगाकर ऑलरेडी पानी भी निकाला जा रहा है। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।